जिला मंडी के अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने उर्वरक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन योजना का जिला मंडी में शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि उपनिदेशक रूपलाल चौहान द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू हो जाने से खाद्य उर्वरक विक्रेता डिपो होल्डर POS मशीन पर विक्रेता की पहचान किए बिना खाद नहीं बेच पाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी खाद विक्रेता डिपो होल्डरों को प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें वितरित की जा रही हैं तथा इन मशीनों से किसानों के आधार नंबर जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब भी कोई किसान खाद की खरीदारी करेगा तो POS मशीन में आधार कार्ड के लिंक होने से किसान के अंगूठे का मिलान भी लिया जाएगा, जिससे संपूर्ण ब्यौरा मशीन में दर्ज रहेगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की भी इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि मृदा परीक्षण से पता चलेगा कि किस किसान को कितनी तथा किस प्रकार की खाद की जरूरत है, जिससे ये भी पता चलेगा कहीं किसान क्षमता से अधिक खाद तो नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उर्वरक खरीद में आधार नंबर की आवश्यकता बारे लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि POS मशीनों के जरिए ये भी पता लगाया जाएगा कि जिला में कितनी खाद की बिक्री हुई है तथा कितनी भंडारण है। उन्होंने बताया कि POS मशीन खाद का सरकारी दाम भी दर्शा रही है, जिससे किसानों को खाद का सही दाम भी पता चलेगा। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से खाद की बिक्री संबंधी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को खाद से संबंधित सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि इससे कार्य में पारदर्शिता आएगी, जिससे किसानों का व्यवस्था में विकास बढ़ेगा। बैठक में कृषि उपनिदेशक रूपलाल चौहान, जिला कृषि अधिकारी BD शर्मा जिला सहित जिला के खाद्य विक्रेता डिपो होल्डर किसान तथा विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। हम एग्रीकल्चर विभाग की ओर से हमने जो डीबीटी लाइफ का सिस्टम लॉन्च किया है, इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं सभी रिटेलर्स और स्पेशली फार्मर्स जो है उनको बधाई देता हूं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं कि हमारा जो सभी विभागों का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग अधिक से अधिक अब बढ़ता जा रहा है। तो वही जो है हमारे सारे सिस्टम जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स है उस पर ये अप्लाई करता है कि जब आप पारदर्शी कर देंगे, जब आप खोल देंगे सबके लिए सिस्टम देखने के लिए, तो ट्रस्ट भी विश्वास भी बढ़ेगा लोगों का, लोगों की दिक्कतें भी कम होंगी और कहीं से कोई लीकेज हो रहा है जो सरकार इंटेंड नहीं करती है। सरकार हमेशा ये इंटेंड करती है लाभार्थी तक, असली लाभार्थी जो है उस तक उसका लाभ पहुंचे, वो भी जो है वो असली लाभार्थी तक उसका लाभ पहुंचेगा। तो मैं पुनः जो विभाग को और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने काफी कोशिश भी की है, मंडी जिला में काफी ट्रेनिंग्स वगैरह हुई हैं और मैं ये आशा करता हूं कि ये सिस्टम जो है इससे हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान लोग हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनकी काफी दिक्कतें जो है वो कम होगी, सिस्टम पर उनका विश्वास बढ़ेगा, जो रिटेलर्स हैं उनके लिए भी काफी समस्याएं कम हो जाएंगी, क्योंकि पारदर्शिता जब तक रहती है तो उन्हें भी ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होगा और मैं आशा करता हूं कि ये सिस्टम अच्छे से फंक्शन करेगा और सभी इससे जो है आगे काफी संतुष्ट रहेंगे इस सिस्टम से। आपको पुनः इस लॉन्च के लिए बहुत बहुत बधाई।